हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन चीला। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च कट कर ली है। और फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी इसमें पालक। तो मैं तो इतना ही डालती हूँ, बाकी इसमें आप गाजर या जो भी हरी सब्जी चाहें वो सब डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने डाल लिया है इसमें बेसन। तो आपने मतलब देख लें कि आपका कितना मटेरियल है, उसी हिसाब से बेसन डालें। और मैंने इसमें डाला है जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च और नमक। तो अब मैं ये सब मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मिक्स करने पर एक इसका पेस्ट तैयार करूँगी, लेकिन ना बहुत पतला करूँगी ना बहुत गाढ़ा, मीडियम में करूँगी। और जब पेस्ट बनाएँ तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाएं, क्योंकि जो पालक होता है वो पानी छोड़ता है। तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाएं पेस्ट को। अगर आपको बनाते टाइम लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें, लेकिन पहले आप इसको गाढ़ा सा बनाएं। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल दें, जिससे क्या होता है कि हम जब चीला बनाते हैं तो वो आराम से निकल जाता है, चिपकता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं चीला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा ये जो तवा है ये नॉर्मल तवा है, ये नॉन स्टिक का नहीं है। और अब मैं इसको इस पर उसकी मदद से अपना जो भी हो करछली, उसकी मदद से इसको इस पर फैला देंगे इस तरीके से, देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल इसकी साइड से डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। और ब्राउन होने तक इसको पकने देंगे, जब तक नीचे से ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद देखिए, मैंने पलट दिया है क्योंकि मेरा नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। और अब इस दूसरी तरफ से भी मैं अच्छी तरह से इसको सेंकूँगी, और इसी तरीके से पलट पलट के हम सेंक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मेरा चीला तैयार है, हेल्दी और टेस्टी चीला। ये सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीला बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसको बच्चे बड़े सभी लोग खा सकते हैं। ये हेल्दी और टेस्टी होता है।